हाँ जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएएस एग्जाम के लिए राजस्थान जीके की बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, यानी कि राजस्थान जीके सेक्शन के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। वैसे समय की बात करें दोस्तों, सितंबर अक्टूबर हमें समय दिया है, तो ये अगर देखा जाए तो कम समय है। तो कम समय में हमें कौन सी बुक जो है पढ़नी चाहिए, और अगर इससे पहले आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग ही करिएगा, क्योंकि आपकी जो शेड्यूल है, आपका जो शेड्यूल है उसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको जो बुक प्रिपेयर करने वाला हूँ ये बेस्ट बुक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास इससे पहले जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ, इससे पहले आपके पास कोई पैनोरमा की बुक है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान जीके के संदर्भ में, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसे पढ़ सकते हैं या फिर वही रखिए, आप बुक दूसरी बुक लाने की आवश्यकता नहीं है, वो बुक बेस्ट है, क्योंकि उसमें सारा सार संग्रह आ जाता है, जैसे RBSE का, NCERT का, मतलब डिस्क्रिप्टिव मोड में वो बुक आती है। लेकिन उससे भी अगर थोड़ा सा शॉर्ट कम में आ जाते हैं तो ये बुक मैं आपको प्रिपेयर करने वाला हूँ दोस्तों, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तीन बुक बताऊंगा दोस्तों, चलते हैं बुक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम राजस्थान का भूगोल ये बुक देखने वाले हैं, यानी डॉक्टर LR भला सर की ये बुक है। और दोस्तों देखो, इसमें सबसे पहले हम इंडेक्स की तरफ आते हैं, सब्जेक्ट लिस्ट की तरफ। जैसे यहाँ पे ये देखो टॉपिक दे रखे हैं इंडेक्स में, आप देखो सबसे पहले तो आप सिलेबस देखेंगे दोस्तों, और सिलेबस में जो टॉपिक आपका है वही टॉपिक आपको पढ़ना है, दूसरे टॉपिक को इग्नोर करना है, जो आपका टॉपिक नहीं है उस टॉपिक को इग्नोर कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, एक परिचय है, भौतिक स्वरूप है, अपवाह प्रणाली और झीलें हैं, जलवायु है, मिट्टी संसाधन है, वन संपदा है, सिंचाई है, और उसके साथ साथ में सिंचाई परियोजना है, कृषि है, जीव संपदा है दोस्तों, वन्य जीव और उसका संरक्षण है, खनिज संसाधन है, शक्ति संसाधन भी है। तो यहाँ पे उद्योग धंधे जैसे पर्यटन उद्योग, राजस्थानी हस्तकला, मानव संसाधन और परिवहन, तो सब कुछ जो है डिस्क्रिप्टिव मोड में दोस्तों आपको मिलेगा। व्यापार, राजस्थान जनजाति जाति, सूखा अकाल, मरु विकास, बंजर भूमि, विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, भौगोलिक प्रदेश, भूगर्भिक संरचना, राजस्थान मरुभूमि की उत्पत्ति, मरुस्थलीकरण, मानव अधिवास, है ना, निर्माण सामग्री और गृह प्रव। तो कुल मिलाकर आपको 280 पेज की ये बुक मिलेगी दोस्तों, राजस्थान एक परिचय। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो ये जो गाइड है ना दोस्तों, ये डिस्क्रिप्टिव मोड में है, और साथ साथ में आपको मैप भी बता रखे हैं कि मैप से जानकारी आप अच्छे से जुटा सकते हैं यहाँ से दोस्तों। हालांकि आपको मैप की एक अलग बुक लेनी चाहिए अगर बेहतर और तैयारी करना चाहो, जैसे और बेहतर करना चाहो, फिर भी इसमें भी मैप दे रखे हैं दोस्तों, फैक्चुअल चीज़ें भी दे रखी है और डिस्क्रिप्टिव भी दे रखी है। ये देखो, हर पेज में आपको मैप से दर्शाया गया है जो भी टॉपिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्टिव मोड है। और आपको फिर देखो, मेंस एग्जाम के लिए हम बात करें तो जैसे आपको है ना, जैसे वर्णन करना होता है ना किसी भी क्वेश्चन का, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए होते हैं इस बुक में। देखिए यहाँ से आप पेज नंबर देख पाएंगे, ठीक है, ये तो 280 तक तो यहाँ पर है। उसके बाद ये जो दोस्तों पेज है ना, ये जो पेज है ये एक्स्ट्रा पेज है, इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए जो है प्रश्न दिए हुए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि ये आगे की बात है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी है, निबंधात्मक प्रश्न भी है इसमें, तो आप इसे अच्छे से दोस्तों प्रैक्टिस के मोड में भी ले सकते हैं, ठीक है। हर टॉपिक के प्रैक्टिस दे रखी है, 29 टॉपिक इसमें दे रखे हैं, और 29 के 29 जो है, 29 नहीं सॉरी, 25 के जो यहाँ पे दे रखे हैं अच्छे से। और यहाँ पर फिर से एक बार और जो है ऑब्जेक्टिव मोड में भी आपको सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, वन लाइनर में भी आपको सवाल दिए हुए हैं, तो जो जो महत्वपूर्ण है वो काफ़ी यहाँ पर इंक्लूड है दोस्तों, जो शामिल है ना, कुछ चीज़ें जो लास्ट में आपको मैप के द्वारा भी बताई गई है दोस्तों। मैप की मैं आपको अलग से बुक सजेस्ट करूंगा, जो आपके हर एग्जाम में है, होती ही है, और हर टॉपिक के लिए जो महत्वपूर्ण है ये है सिक्वाल पब्लिकेशन की बुक, जो मानचित्रावली आती है दोस्तों, आप इसके साथ भी जा सकते हैं, ये बुक भी अच्छी है। मेरे पास ये पुरानी बुक है, आप नई बुक के साथ जाइए ज़रूर, ठीक है, ये मेरे पास ओल्ड बुक है। अगर आप इसके साथ नहीं जाना चाहो तो एक एटलस की बुक आती है दोस्तों, राजस्थान की, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ दोस्तों राजस्थान के इतिहास और कला की तरफ, है ना। देखो संस्कृति, कला संस्कृति, परंपरा और विरासत,
ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें तो ये है डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली सर, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये बुक है दोस्तों। ये जो गाइड है ना, इसकी हम बात करें तो इसमें आपका जो, देखो इस बुक की रेट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो दे रखी है वो है 375 रुपये। ये देखिए है ना, तो मार्केट मेरे ख्याल से 350 या 300 रुपये में मिल जाएगी, और इस बुक पे रेट है आपके 240, ये भी 200 के आसपास में बुक मिल जाएगी दोस्तों। इसकी जो इंडेक्सिंग लिस्ट है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। ये कंप्लीट दोस्तों इतिहास है, और आधुनिक इतिहास कंप्लीट है, और मॉडर्न भी है इसमें। हालांकि जो जो आपके टॉपिक है आप वही पढ़िएगा, बाकी आप ना पढ़े। इसमें देखो इतिहास के बाद में यहाँ पे ये टॉपिक आ जाते हैं, मेले त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य। ये दोस्तों बुक देखो कम समय के लिए बेहतर है, बाकी अगर आप एक्स्ट्राज और आपको लगता है कि मैं कम समय में भी बेहतर कर पाऊंगा तो आप पैनोरमा के साथ जा सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा, न कि कोई यहाँ पे आपका ऐसा है कि भाई ये पेड प्रमोशन, ऐसा भी नहीं है। तो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और एक परिचय जो आप सबसे पहले देख पाएंगे यहाँ पे, तो देखो ये इस प्रकार से इस मोड में यहाँ पे बुक है। इसकी लैंग्वेज दोस्तों बात करें तो लैंग्वेज काफ़ी सरल है ना, काफ़ी सरल लैंग्वेज है, और इसमें डिस्क्रिप्टिव मोड इसमें भी दे रखा है, तो एक गाइड ही हम कह सकते हैं, और फैक्चुअल चीज़ें भी है। तो ये जो बुक है, इस बुक की मैं लेंथ की बात करूँ 532 पेज है, लेकिन A4 में नहीं है, ये शॉर्ट कॉपी की तरह है, ये देखिए है ना। और इसकी जो 240 रुपये यहाँ पे मात्र रेट है ना, तो फिर ये आपको 20-30 रुपये कम में भी मिल जाती है। और इनकी और भी जैसे ग्रंथ अकादमी की और बहुत सारी बुक आती है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। भूगोल की भी ग्रंथ अकादमी की बुक ले सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहो तो, और बाकी अगर कोई बुक अभी तक आपने नहीं ली है तो कम समय में ये बुक काफ़ी है, ठीक है। चले तो ये जो बुक थी दोस्तों, और करेंट अफेयर्स के लिए आप क्रोनोलॉजी के साथ जाइएगा, और राजस्थान जैसे राजव्यवस्था की मैं बात करूं तो मैं आपको राजव्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो देखो एक बुक आती है पैनोरमा की, राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था लिखा हुआ होता है, तो वो आप ला सकते हैं। लेकिन ऐसा करें कि आपके जो टॉपिक में है, यानी वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ें, अदरवाइज ना पढ़ें दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको अलग से और भी किसी बुक का रिव्यू चाहिए, जैसे मान लो कि भैया मुझे भारत के इतिहास का रिव्यू चाहिए, या फिर सामान्य विज्ञान की बुक कैसी कौन सी होनी चाहिए, तो इस प्रकार के आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कम समय में तैयारी करने की। बाकी तो अब मैं आपको बताऊं तो आपको ये भी बता लूं कि कला संस्कृति में आप 3-4 बुक पढ़िए, भूगोल की आप 3-4 बुक पढ़ो, और फिर प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, स्पेक्ट्रम बता दूं आपको, नितिन सिंघानिया सर की बता दूं, है ना, या फिर महेश कुमार वर्णवाल बता दूं। तो देखो ये अब कम समय में ये बुक आप पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, बाकी पढ़ तो लोगे लेकिन रिवीजन नहीं हो पाएगा यथा समय में। तो इसीलिए कहूँगा कि आप अभी इन बुक के साथ जा सकते हैं, ये ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, काफ़ी इसका प्रयोग करते भी है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, और हमारी तरफ से राजस्थान क्लासेज पर राजस्थान जीके की जो मॉडल पेपर चलने वाली है ना, वो इसी बुक से, इस बुक से और इस बुक से ही कंप्लीट चलेगी दोस्तों। मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट तो चलने वाले, और आपका कोई और कमेंट है तो ज़रूर करिएगा, आपके कोई भी सवाल हो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।